अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी फ्रेश केले के छिलकों को हम खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पौधों में, तो कौन कौन से नुकसान होते हैं और पौधे क्यों मरने लग जाते हैं, और कौन सा परफेक्ट तरीका है जिससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी केले के छिलकों को आप डायरेक्ट अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इस्तेमाल करते हो तो आपके पौधों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है, पौधों के अंदर चूंटियाँ आ जाती हैं क्योंकि इसका टेस्ट स्वीट होता है। केले के छिलकों का पौधों के अंदर दूसरा गलत इस्तेमाल ये किया जाता है, इसको टुकड़ों में काटकर अपने पौधों की मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पौधे मरने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर फंगस आ जाती है और पौधों के अंदर चूंटियां भी अटैक कर देती हैं। तो अब देखते हैं इसको अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है ताकि पौधों को अच्छे रिजल्ट मिले, ना कि फंगस का अटैक हो और ना ही चूंटियां आए। सबसे बेस्ट तरीका तो इसका यह है कि हम इसको किसी भी साए वाली जगह पे खुश करें, खुश करने के बाद पीस कर अपने पौधों में इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधों के अंदर कोई भी किसी चीज़ का भी अटैक नहीं होगा और आपके पौधों को अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है, जब भी आप लिक्विड फॉर्म में अपने पौधों के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि लिक्विड का बहुत जल्दी असर होता है। केले के छिलकों की लिक्विड खाद बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ना तो आपके पौधों के अंदर चूंटी आएंगी और ना ही फंगस का अटैक होगा। कभी भी ओनली केले के छिलकों को या इसको काटकर टुकड़ों की सूरत में अपने पौधों की मिट्टी में मिक्स नहीं कीजिएगा। जब भी आप इस खाद को बनाना चाहते हो, इसके अंदर कोई अच्छा सा फंगीसाइड इस्तेमाल करें, उसके बाद अपने पौधों पर इसको अप्लाई किया करें। हल्दी और केले के छिलकों को 1 लीटर पानी में हम मिक्स करके 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। किसी भी शेडी एरिया में एयर टाइट भी करना ज़रूरी होता है और साए वाली जगह पर भी रखना ज़रूरी होता है। हर 15 दिन के बाद हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलकों में भरपूर मिकदार में पोटाशियम होता है। शुक्रिया।